वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म आई एम अयास अहमद एंड टूडे वी विल स्टडी समथिंग अबाउट कम्यनिकेशन मीन्स एंड नीट आफ अलेक्ट्रॉनिक कम्यनिकेशन मेरे प्यारों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्यनिकेशन के मुताबिक मीन्स एंड नीट फॉर द एलेक्ट्रॉनिक कम्यशन लेट स्टार्ट विद द कोम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या होती है चलिए आए देखते हैं कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विवस ओपिनियंस अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स फैक्ट्स इमोशंस सिक्रट्स और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू आर मोर पर्सनस बाई एनी सोर्स और मीडिया कम्युनिकेशन किसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ अपने व्यूज अपन ओपिनियंस अपने अंडरस्टैंडिंग अपनी फीलिंग अपनी फैक्ट्स अपने इमोशनस अपनी सिक्योरिटीज क्या करें हम एक दूसरे के साथ ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें यानी एक दूसरे के साथ बातचीत करने को कम्युनिकेशन कहते हैं एक एक दूसरे के साथ बातचीत करने को कम्युनिकेशन कहते हैं ठीक इट इन्वॉल्व थ्री बेसिक एलिमेंट्स कम्युनिकेशन इन्वॉल्व थ्री बेसिक एलिमेंट्स दैट आर सेंडर मैसेज और रिसीवर इस कम्युनिकेशन में हमारे पास तीन चीजें होती हैं एक सेंडर होता है सेंडर वो पर्सन जो सेंड करता है मैसेज यानी जो जिससे इनिशिएट मैसेज होती हैं उसके बाद मैसेज यानि इंफॉर्मेशन वो क्या बोलना चाहता है क्या मैसेज देना चाहता है उसको हम मैसेज बोलते हैं एंड रिसीवर रिसीवर वो पर्सन होता है जहां तक ये मैसेज पूछानी होती है यानी जो रिसीव जो मैसेज को रिसीव करता है उसको हम मैसेंजर कहते हैं ठीक और इन सेंडर अब हम देखते हैं पहले थोड़ा सा डेफिनेशन सेंडर सेंडर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर इज द initiate हु message and एंड इज called कॉल्ड द or और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन द सेंडर इज अ individual, ये वो individual होता है which initiate अ मैसेज जिसकी जो जो स्टार्टिंग जिसकी मैसेज ये स्टार्ट होती है यानी जो इनिशिएट करता हैं एक मैसेज को ठीक उसको हम क्या कम्युनिकेटर और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं ठीक यहाँ तक क्लियर अब सेंड अब है मैसेज मैसेज क्या है मैसेज इंफॉर्मेशन है मैसेज इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ रिक्वेस्ट दैट यू सेंड टू समवन और लीव फॉर देम व्हेन यू कॉन्ट स्पीक टू देम डायरेक्टली मैसेज एक इंफॉर्मेशन है मैसेज एक इंफॉर्मेशन है एक बात है जो आप एक आ, ये इसको मतलब इस रिसीवर को भेजना चाहते हो किससे दैट यू सेंड टू फॉर देम वन यू कांट स्पीक डायरेक्टली जब आप उससे डायरेक्ट डायरेक्ट में बात नहीं कर पाओगे किसी वजह से किसी मसले से तो आप क्या करते हो आप कुछ लिखते हो कुछ लिखते हो तो उसके लिए रखते हो या कुछ मैसेज टेक्स्ट करते हो ठीक तो उसको हम बोलते हैं मैसेज ठीक अब है हमारे पास रिसीवर In the communication process, in the communication process, the receiver is a listener, reader, or observer that is individual. और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू होम है मैसेज इस डायरेक्ट जिनको आप बता रहे हैं जिसके लिए आपने मैसेज छोड़ी है वो है हमारे पास रिसीवर तो रिसीवर इज आल्सो कॉल्ड ऑडियंस और डिकोडर डिकोडर या ऑडियंस भी इस रिसीवर को कहते हैं रिसीवर क्या होता है रिसीवर ये हो रिसीवर रिसीव करता है मैसेज या क्या मैसेज आपने उसके लिए छोड़ा है वो मैसेज पढ़ता है ठीक अब हम हम देखते हैं क्या मीन्स एंड नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी हम तो मैसेज कर सकते थे हम तो बातचीत कर सकते थे इसकी वजह से क्या हो गया क्या फ़ायदा आ गया देखो अगर हम डायरेक्ट में किसी को कुछ बात बोलनी होती है तो हम डायरेक्ट में उससे बोलते हैं मतलब हमें किसी आ, मतलब बहुत अगर हम हमारे पास ही शख्स बैठा होगा तो हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं पर अगर वो बहुत फार डिस्टेंस में बैठा होगा तो मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेट हम चिट्ठी लगा के लिखेंगे तो फिर कब तक वो पहुँच जाएगा उसके पास तो बहुत मुश्किल है तो इसीलिए हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की यूज़ ठीक मीन्स

कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को यूज़ करते कौन कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आती हैं ईमेल हमारे पास है टेक्स्ट मैसेज है फैक्स है सोशल मीडिया है ऐप भी है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेट करते हैं यानी एक दूसरे के साथ तो हम कम्युनिकेट कर ही करते ही हैं पर कै, कैसे करते हैं बाई द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक उसको हम बोलते हैं क्या मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अब देखते हैं हमें जरूरत क्या पड़ी हमें फ़ायदा क्या होगा इस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से मूविंग फ्रॉम पेपर टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैन एक्चुअली हेल्प अस इन बिजनेस कनेक्ट रेसर वायल सेविंग टाइम एंड मुन्नी इससे हमें टाइम भी बच जाएगा मुन्नी भी बच जाएंगे हमें एक दूसरे के पास जाने जाना नहीं पड़ेगा यानी कि हमें अगर दूर कोई रिश्तेदार है तो हम उसको फ़ोन पे बात कर सकते हैं आराम से दिस इज अ नीड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देखो हमारे एक है यहाँ से ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम अब हम देखते हैं थोड़ा ब्लॉक डायग्राम के मुतालिक देखो हमारे पास है सिग्नल यानी कि जो एलनॉग सिग्नल है यहाँ से ट्रांसड्यूसर फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिग्नल में इसने क्या, क्या? इसने किया इसने तब्दील किया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में जैसे कि कोई फ़ोन कर रहा है तो जब वो फ़ोन कर रहा है वहाँ से बात कर रहा है सोर्स वहाँ से बात कर रहा है तो फ़ोन क्या करेगा फोन को फ़ोन इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में पास होके इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस हो जाएंगे और फिर हमारे पास जब आता है तो यहाँ ट्रांसमीटर क्या करता है ट्रांसड्यूस करता है सिग्नल को इसको फिर कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में तो हम सुन पाते हैं हम सुन पाते हैं तो ये है बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में हमने पढ़ा कम्युनिकेशन मीन्स मोड मीन्स एंड नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिलते हैं लेक्चर अगले लेक्चर में तब तक के लिए खुदा हाफिज